सबको सलाम, वेलकम टू ऑल, शालोम। एक्सोडस एपिसोड नंबर 11, यहोवा निस्सी। सिर्फ इसराइली ही नहीं थे जिनको खुराक और पानी की तलाश रहती थी, बियाबान के उसी इलाका में अमालिकी लोग भी रहते थे। वो चाहते थे कि सारा खनलस्तान हमारे ही इस्तेमाल के लिए रहे। वो चाहते थे कि सारे खलनस्तान हमारे ही इस्तेमाल के लिए रहें। उन्होंने पक्का इरादा और फैसला कर लिया कि वो अपने पानी के ज़खीरों से हिस्सा कभी किसी को नहीं देंगे। वो आकर इसराइली खेमागाह पर हमला करने लगे। मूसा जानता था कि उसे इन हमलों को भगाने के लिए फौरन कुछ करना है। उसने एक बहादुर आदमी को चुन लिया जिसका नाम यशवा था और उसे कहा कि कुछ मर्द और जंगजू आदमियों को साथ लेकर अमालिकियों के मुकाबला को जा। उसने यशवा को हौसला दिया और वादा किया, मैं इसके सामने के पहाड़ पर हाथ में वो लाठी लिए खड़ा होऊंगा जो खुदा ने मुझे पास रखने को कहा था। अगली सुबह इसराइली मुकाबले को निकले और मूसा अपने वादे के मुताबिक अपनी लाठी हाथ में लिए उस पहाड़ पर चढ़ गया। उसने अपने भाई हारून और एक सरदार हूर को भी अपने साथ ले लिया। फिर मूसा ने अपने हाथ उठाए ताकि जंग में इसराइलियों की हौसला अफजाई करे और खुदा से मदद मांगे। इसराइली जंग करने के आदी नहीं थे। मूसा को लाठी ऊपर उठाए देखकर उनकी हिम्मत ताज़ा हो जाती थी, क्योंकि उसने इस लाठी के ज़रिए बहुत से अजीब काम किए थे। लाठी ऊपर उठाए रखने से मूसा के बाजू दर्द करने लगे और उसे बार बार नीचे करने पड़ते थे, लेकिन जब वो बाजू नीचे करता तो इसराइलियों के पांव उखड़ने लगते और वो हारने लगते। लेकिन जो ही वो दोबारा हाथ उठाता वो दलेर हो जाते और अमालिकियों को मारने और पीछे धकेलने लगते थे। कई घंटे गुजर गए और मूसा के बाजू थक कर शिल होने लगे। हारून और हूर को भी बहुत अच्छा ख्याल आया। उन्होंने एक हमवार सा पत्थर लाकर मूसा को उस पर बिठा दिया और खुद एक उधर और दूसरे उधर खड़े होकर मूसा के बाजुओं को पकड़कर उठाए रखा। यूं उसके हाथ सूरज गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। इस तरह इसराइलियों ने अमालिकियों को मार भगाया। उन्हें इसराइलियों से दोबारा लड़ने की ज़रूरत ना हुई। मूसा ने खुदा की शुक्रगुजारी के लिए वहाँ एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, जिसका मतलब खुदा हमारा झंडा है और हमारी खातिर जंग करता है। वो जानता था कि खुदा ही अपने लोगों की निगहदाश्त और हिफाजत करता है और उसी ने उन्हें ज़रूरी मदद मुहैया की। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड, बी सेफ। आमीन।